मेरठ में आज कांग्रेसियों ने एक अजीब और गरीब तरीके से केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को घेरने की कोशिश की है। लगातार प्याज के दामों बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस योगी सरकार को घेरने में लगातार प्रयास कर रही है। आज मेरठ के कचहरी के बाहर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ प्याज की दुकान लगाई, जहां आने वाले आम जनता को 20 किलो प्याज मुहैया कराए गए। जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष मेरठ का, आज कांग्रेस पार्टी ने 20 रुपए किलो का एक प्याज का स्टॉल लगाया आम जनता को राहत देने के लिए। जिस तरीके से प्याज के रेट 100 रुपए पार कर गए यार, बहुत से शहरों में तो 150 रुपए पार कर गए हैं, उसके बाद भी हमारी सरकार सोई भी है। केंद्र की राज्य की दोनों सरकार जमाखोरों पे कोई अंकुश लगाने में पूरी तरीके से विफल है। जो आम जनता है, मध्यम वर्ग के परिवार है, उनके घरों से प्याज दूर होती जा रही है। सरकार को जगाने के लिए आज हमने ये स्टॉल लगाया कि जनता 20 रुपए किलो तक प्याज तो खरीद सकती है, इससे ऊपर कभी नहीं खरीद सकती है। किसानों से सस्ते सस्ते दामों में हमारे किसान भाइयों से प्याज लेकर जमाखोरों ने जो आज प्याज आम दरों से दूर करी है, इन पर सरकार तत्काल एक्शन ले और कार्रवाई करे, जिससे आम जनता को लाभ मिले।